अक्षय यानी जो कभी क्षय यानी खत्म नहीं होती। हिंदू धर्म में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। कोई भी शुभ कार्य के लिए तिथि से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ कर नहीं होता, इसलिए इस दिन का अपने आप में खास महत्व होता है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। पहला काम, खाली हाथ घर न जाएं। अक्षय तृतीया के दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोने की कोई चीज या आभूषण जरूर खरीदें। अगर सोना खरीदना संभव न हो तो क्षमता अनुसार कोई और धातु से बनी चीज भी खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से लेकर रात 11:47 तक होगा। दूसरा काम, पूजा में तुलसी का उपयोग। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा में प्रसाद में तुलसी का उपयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी के पतिदेव भगवान विष्णु हैं। पति की पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:40 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। तीसरा काम, विष्णु लक्ष्मी की एक साथ ही पूजा करें। समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वाले साधकों को अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं। इस अवसर पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करने पर ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा काम, दान देते वक्त ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दान और भोजन कराने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान देते वक्त दान देने वाली चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शुभ फल की बजाय अशुभ फल मिलने लगता है। पांचवा काम, गुस्सा ना करें। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने दिल में क्रोध का भाव ना रखें। अगर इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो माँ लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं ठहरती। अक्षय तृतीया के दिन ये काम करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसका फल आपको आजीवन मिलता रहेगा।